ओम शांति। बाप दादा मिलन पर शांतिवन में जो अव्यक्त मुरली चली, अभी उसकी कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम दोहराएंगे और 18 जनवरी तक बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया वो भी सुनेंगे। मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख रहे थे। फिर कहा, फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार होंगे नई दुनिया में, वो अभी से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। तो चेक करना उस नए संसार की एक एक विशेषता मेरे अंदर कहाँ तक इमर्ज हुई है। आज बाबा ने सत्युग की विशेषताओं को संगम युग पर ही अनुभव करने को कहा, वो कैसे, ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा, जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो, क्या आपके जीवन में भी एक राज्य है? अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? ऐसे ही वहां एक धर्म होगा। बाबा ने कहा, धर्म अर्थात धारणा। तो अपनी विशेष धारणा, पवित्रता की धारणा को चेक करो, क्या मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में सदा संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। बाबा ने कहा, चेक करने के साथ बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा उन्हें चेंज करो। बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि अभी तो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा चेक करके चेंज करने का मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद, ध्यान से सुनिए, कुछ समय के पश्चात अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए सिर्फ चेक नहीं करना, साथ में चेंज करो। बाबा ने कहा, चेक और चेंज दोनों साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व टाइटल क्या है, यही कहते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान होकर चेंज ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी समय प्रमाण रिजल्ट यही होनी चाहिए, जो सोचा वो संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाए। फिर बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों में अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य अर्थात हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलेपन में आकर क्या कहते हैं, कर तो रहे हैं, यह तो होना ही है, ऐसे तो करते रहेंगे। उनके कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाबा ने कहा, दूसरों को बदलने की वृत्ति ज्यादा रहती है और स्व परिवर्तन की वृत्ति कहीं कहीं कम हो जाती है। अभी दूसरों को देखना ये कम करो, और सी डबल फादर यानी ब्रह्मा बाप को और शिव बाप को देखो। अगर दूसरे को देखना भी है तो सिर्फ विशेषता देखो, जो कमी वह अपनी निकाल रहे हैं उसको क्यों देखते हो, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं ना। जैसे भविष्य अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। फिर बाबा ने कहा, परिवर्तन शक्ति द्वारा अभी दो शब्दों का परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, और जब मेरा शब्द बोलो तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, यह स्मृति नेचुरल हो जाए, बस यही परिवर्तन कर लो। बाबा ने कहा, आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक कहते हैं ना, विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? अब तीव्र गति की आवश्यकता है। बाप दादा ने सुना दिया, अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, क्या कहते हैं, बाबा जब समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो उस वैराग्य के समय
आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कहा, बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। बाप दादा के 3 शब्द सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। कब और कहां किसी का भी अंतिम काल हो सकता है, तो अभी से अपने राज्य के संस्कार धारण करने ही हैं। गे नहीं करना, एक गे और दूसरा तो ये कहते रहते हैं, ये शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए एक होमवर्क देते हैं। वो होमवर्क है, कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन जरूर बदलेंगे, हम बदलेंगे। ये नहीं कहना मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं और बाप दादा चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे ना रह जाए, साथ चले। इसलिए अगर कोई नहीं बदलता है, आपने शुभ भावना भी रखी और कोई नहीं बदला, तो आप अपने को बदलो। मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा तो और भी बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। जबकि 5 तत्वों के प्रति शुभ भावना रखते हो, तो क्या ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते? और दूसरा, ये शब्द भी नहीं कहना, ऐसा तो होता ही रहता है, चल ही रहा है, मैंने किया तो क्या हुआ, नहीं। अभी भाव और भावना दोनों का परिवर्तन करो, और 18 जनवरी तक ये परिवर्तन करना ही है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।